अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और उसी के साथ साथ एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है आप लोगों की 25,000 रुपये वाली स्कीम या फिर जिसे हम बोलते हैं लैपटॉप वाली स्कीम। कई बच्चों के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है इस चीज़ से रिलेटेड, किन बच्चों को ये मिलता है, हमें कितने परसेंट लाना पड़ता है, हमें अगर परसेंट आ गए तो आगे क्या करना पड़ता है, हमें लैपटॉप मिलता है या हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है, कितने परसेंट पे ये चीज़ मिलती है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं कि ये जो योजना है इसका बेनिफिट मैंने लिया था। मुझे 2020 में, जैसा मैंने पेपर दिया था, बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में दी थी, तो मेरे 87% थे और मुझे ये सारी चीज़ें मिली थी। तो आप लोगों का सबसे बड़ा जो डाउट है कि कितने परसेंट मिनिमम होते हैं जिसके अंतर्गत हमें ये चीज़ें मिलती है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, आप मेरा ये लाइव सर्टिफिकेट का प्रूफ देख सकते हैं, तो इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा पूरी तरह से सही और एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन रहेगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा इस योजना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आप चाहे अगर तो मेरे जो सर्टिफिकेट है इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन सर्टिफिकेट है। और मैंने ये सर्टिफिकेट जब मुझे मिला था तो इंस्टाग्राम पे भी डाला था, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा। इसके साथ साथ मुझे स्कूल से एक ट्रॉफी भी मिली थी, वो भी मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी भी फ़ोटो डाली थी, ठीक है। सो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली चीज़ गाइस, इसका नाम कोई लैपटॉप वितरण योजना या 25,000 रुपये वाली योजना बिल्कुल नहीं है। इसका जो नाम है वो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। क्या बोला मैंने? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। थोड़ा लंबा नाम ज़रूर है, पर इसका ये जो असली नाम है ये वही है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना, ठीक है। तो इसका नाम कोई लैपटॉप वितरण योजना वगैरह नहीं है, इसका नाम ये है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है कि भैया इसमें मिनिमम परसेंटेज कितने होते हैं, यानी हमें कितने परसेंट लाना होगा ताकि हमें भी ये 25,000 रुपये वाली योजना है इसमें हम एलिजिबल हो। तो आप लोगों को पूरी तरह से एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि देखो, पहले 85% वाले बच्चों को ये योजना है ये दी जाती थी, पर आप जानते हैं बीच में कमलनाथ सरकार आ गई थी एमपी में, तो जब कमलनाथ सरकार आई थी तो उन्होंने ये योजना को बंद कर दिया था, उस साल बच्चों को पैसे नहीं मिले थे। फिर उसके बाद 2020 में जब शिवराज जी वापस आए, तो उन्होंने, जब मैं भी था 2020 में, मैंने भी वोट दिया था, मेरे तो 87 थे, तो 80% वाले, यानी 80% अगर आपकी 80% है या 80% से ज़्यादा है, तो ऐसा मान लो कि 80 से लेके फिर आपके आगे वाले जितने हो, 81, 82, 90, 95 जितने भी हो, यानी मिनिमम 80% से लेके आगे जितने भी परसेंट हो, उन बच्चों को ये योजना का बेनिफिट मिला था। यानी कम से कम 2020 में तो यार 80% वालों को भी मिला था ये सारी चीज़ें, उससे पहले ओनली 85 या 85+ वालों को मिलती थी। अगर आपको, आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि आपको अपना जो टारगेट है, अगर आप इस योजना का बेनिफिट लेना चाहते हो, मुझे भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे तो मैंने अपना टारगेट रखा था कि मुझे 90+ जाना है, तो आपको भी यही टारगेट बोलूँगा कि आप एक ऐसा टारगेट रखिए, फॉर एग्जांपल 85+ आपको जाना है, ऐसा टारगेट रखो। अगर आप 85+ चले जाते हो तो ठीक है, अगर आप 85+% अगर ला लेते हो तो चाहे वो 80% वाले को दे, 70 वाले को दे, ठीक है, 85 वाले को दे, आप हर कंडीशन में एलिजिबल हो, ठीक है। तो आपको यही टारगेट रखना है कि हम 85+ लेकर के आए, हो सकता है कि इस साल भी 80% वाले बच्चों को मिले। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 80% वाले को भी इस साल भी मिलेगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। पर ये एकदम तरह के एक पूरी तरह से फेक चीज़ है कि 75 या 70+ वाले बच्चों को भी ये योजना है इसका लाभ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई ST SC जनरल वगैरह कुछ भी नहीं देखा जाता, इसमें बस आपके परसेंटेज देखे जाते हैं। अगर आपके परसेंटेज 80 है या 85+ है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपको बताया, आपको 85+ हमेशा टारगेट रखना है। अगर आप 85+ लाते हो तो आप हर कंडीशन में एलिजिबल हो, हो सकता है 80% प्लस में भी हो जाए, अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बस आपको यही टारगेट रखना है कि आप अच्छे परसेंट लाओ, चाहे आप ST हो SC हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें बस आपके परसेंट को गौर किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि भैया हमें लैपटॉप मिलता है या पैसे मिलते हैं, पहले लैपटॉप दिए जाते थे,
ठीक है। पहले के टाइम पे जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तो लैपटॉप दिए जाते थे, पर कई बच्चों के पास लैपटॉप पहले से ही मौजूद होते थे, तो उन बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती, वो दो दो लैपटॉप का क्या करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हुए एमपी बोर्ड ने लैपटॉप ना देते हुए 25,000 रुपीज़ देना चालू किया। आपको 25,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। कैसे मिलते हैं अब वो डिस्कस करते हैं कि आपको करना क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके, चलो आपने 85%+ ला लिए, आप इसमें एलिजिबल हो, तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा। तो यार इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, इसकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो आपके स्कूल पर होती है। जैसे ही आपके 85% या 80% जो भी इसका क्राइटेरिया आप अगर इसको फुलफ़िल करते हो, तो स्कूल वाले आपको खुद फ़ोन करेंगे और आपसे आपका जो अकाउंट नंबर है वो मांगेंगे। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो आप अकाउंट नंबर दोगे स्कूल वालों को, जिसमें कि ये पैसा आने वाला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप छोटे थे, आपका 7th या 8th क्लास में अकाउंट बना है, तो वो जो अकाउंट रहता है वो माइनर अकाउंट रहता है, आपको माइनर अकाउंट नहीं देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस माइनर अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा रुपये है, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपये है, तो उसमें 25,000 रुपये नहीं आते। आपको एक तो अपने पेरेंट्स का अकाउंट देना है, या फिर आपको एक नया अकाउंट बना लेना है प्राइवेट बैंक में जाके, जिसमें कि 25,000 रुपये आराम से आ सके। आपको अकाउंट बैलेंस को आपको खाली रखना है, और एक सेफ अकाउंट बैलेंस, मैं तो कहूँगा आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट बैलेंस दे सकते हैं, अकाउंट नंबर दे सकते हैं, जिसके कि बाद आपके अकाउंट में पूरी तरह से सेफली पैसा पहुँच जाता है, उसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप सभी का जितना भी योजना से रिलेटेड डाउट था मैंने क्लियर कर दिया होगा। आपको एक और बार बोलूँगा कि अपना टारगेट 85+ रखना, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, आपको यह योजना का बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।